तो जी वो दुआ सामने चीज बांट रही है। तो ये देखें जी, अब हम लोग खाने लगे हैं खाना, क्योंकि दोपहर को खाया नहीं, काफी लेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक के जमान में रहें। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज खाने का नहीं है मेरा व्लॉग, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बुखार है सुबह से। और अभी मैं बच्चों को भेज के, सुनैन को या दुआ को भेज के दुकान से कोई चीज़ मंगवाऊँगी बांटने के लिए, तो वो बांटूँगी अभी। तो अभी सुनैन गया हुआ बाहर, जैसे वो आएगा तो उसको मैं भेजूंगी चीज़ लेने के लिए, तो फिर बांटूंगी चीज़ कोई। तो आज माशाल्लाह से गर्मी शुरू हो गई है, आज काफ़ी तेज़ धूप है तो गर्मी है, लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है क्योंकि मुझे बुखार है इस वजह से। लेकिन विकास आए थे दोपहर को, तो वो भी कह रहे थे कि आज गर्मी है, पंखा चला कर, तो मैंने चलाने नहीं दिया कि मुझे सर्दी लग रही थी इस वजह से मैंने चलाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ठंड लग रही है और आप लोगों को जिसको गर्मी लग रही है वो बाहर जाके बैठ गए, तो इस वजह से मैंने पंखा नहीं चलाने दिया। और अभी शाम होने वाली है, शाम को मैं लोग अपना बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शाम हो रही है। तो ये देखें जी, शाम हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, धूप अब ख़त्म हो रही है, लेकिन धूप आज माशाल्लाह से बहुत तेज़ थी। तो इस साइड पे अभी भी है हल्की हल्की, लेकिन इस साइड पे ख़त्म हो गई है, तो लेकिन अभी भी धूप का असर है, क्योंकि दुआ बैठी हुई है इधर, तो वो कह रही कि पंखा चला दो, तो फिर भी मैं नहीं चलाने दे रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, और वो बच्चे भी कह रहे हैं हमें गर्मी लग रही है। तो अच्छा जी, अभी मैं दुआ को भेज रही हूँ चीज़ लेने के लिए, तो ये जा रही है दुकान से चीज़ लेने के लिए। तो मैंने इसको कहा कि बिस्किट ले आना, क्योंकि बच्चे शौक से लेते हैं बिस्किट, तो इसलिए ये जा रही है बिस्किट लेने। दुआ जल्दी जाओ, जल्दी भाग के आई, ठीक है। पाँच पाँच वाले पापा ले लूं? नहीं नहीं, वो गपशप वाले बिस्किट लेने हैं, तो ये जा रही है लेने। तो अभी ये लेके आएगी तो फिर बांटे की बाई, कह रही मैंने खुद बांट ली है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बांट लेने। तो ये देखें जी, अब हम लोग खाने लगे हैं खाना, क्योंकि दोपहर को खाया नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, तो अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना। हया, मुझे बहुत पसंद लगता है ये खाना। हाँ, हया, अलीहा और मैं, हम दोनों खाने लगे हैं जी दाल के साथ रोटी। तो जिसने खानी है वो आज ही खा ले हमारे साथ। तो जी वो दुआ सामने चीज़ बांट रही है। थोड़े से बिस्किट हैं, और कैसे बच्चों को तंग कर रही, लाइन बनाओ जी। तो जी वो दुआ सामने चीज़ बांटती फिर रही है। बांट ली है अब इसने। तो ये देखें जी, सब्जी वाला आया हुआ, इस सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है वीडियो में भी, व्लॉग में। तो जी अभी शाम की अज़ानें हो रही हैं, ये शाम हो गई है, तो बच्चे को मैंने भेज दिया सपारा पढ़ने, क्योंकि शाम की अज़ानें हो गई हैं, तो इस वजह से। और हमारी लाइट गई भी है, हमारी लाइट का मसला रहता है, और ये सामने वालों की लाइटें इस वजह से जा रही हैं क्योंकि उनका यूपीएस है। तो अच्छा जी, हमारी लाइट भी आ गई है अभी 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 आई है लाइट, और बच्चे गए हुए हैं सपारा पढ़ने के लिए, और मुझे तो लग रही थी ठंड। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं लिया हुआ कंबल लेके बैठी हूँ। क्या गिफ्ट है? गिफ्ट दिखा रही थी आप लोगों को, क्या है? बिस्किट दिखा रही हो, ये किसके लिए है गिफ्ट? अपने लिए है, कह रही मेरे लिए गिफ्ट है, सुनैन भाई के लिए भी है। तो वो दुआ ने बिस्किट बांटे ना, तो इसने दो ले लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए।
तब ये लेके बैठी है, कह रही मेरा भाई आएगा सपारा पढ़ के तो मैं उसको दूंगी सरप्राइज। और इस बेचारी के बाल हैं ये ऐसे, आप लोग सोचते होंगे कि मैं पोनी वगैरह नहीं करती क्योंकि इसके बाल ना दर्द होते हैं जब मैं इसको कंघा करती हूँ, तो इस वजह से ना, तो इसीलिए ना मैं फिर ना दिन में सिर्फ एक ही बार करती हूँ। तो अब ये सुबह की थी इसकी पोनी और फिर इसने खोल दी जिसकी वजह से इसके बाल खुले और ऐसे हो गए हैं, ऐसे करली करली से हो गए हैं। ये सामने वाले इसके सही ऐसे रहते हैं। तो जी आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा, और मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें। आप लोगों को सपोर्ट होगी तो मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो जी अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो अभी मैंने मेडिसिन भी खानी है, अवल पे ख़त्म हो गए, लेने जानी पड़ेगी मुझे क्योंकि आज मैंने, मेरा बुखार नहीं उतरा सुबह का, मैंने सुबह भी पैनाडोल खाई थी दोपहर को भी, और अब पैनाडोल भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब गास आएंगे दोबारा शाम को भी आने वाले होंगे, आएंगे तो फिर मैं उनको कहूँगी कि डॉक्टर के पास लेने, तो मैं जाके ना इंजेक्शन लगवा लूँ और डॉक्टर से दवाई ले लूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ क्योंकि बुखार है। मैं तो जब खड़ी होती हूँ मुझे चक्कर आते हैं, और बस बच्ची को भी नहीं, छोटी है, चलो दूसरे तो बड़े हैं वो अपने आप ही अपना ख्याल रखते हैं, ये छोटी है तो इस वजह से ना इसका भी ध्यान रखना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सुबह का मैंने घर का भी कोई काम नहीं किया, बस ऐसे ही है कि बिस्तरे वगैरह थोड़े से बस समेट दिए थे, झाड़ू लगा दिया, बाकी बर्तन जो से थे वो दुआ ने धो दिए, और सनैन ने बाकी थोड़ा बहुत जो सा था कपड़े कुपड़े सनैन ने समेट दिए, और जो से मैंने कपड़े धोए थे वो भी मैंने समेटे, तो ना मेरे तो बाजू भी दर्द हो रहे और बुरा हाल है आज तो मेरा। बस मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी बना लूँ, तो इसलिए तो ये देखें जी ये आ गए हैं वापस पारे से क्योंकि आज छुट्टी थी इनको, तो अब ये मैडम चावल खा रही है या बस ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग ये बिस्तरा सुबह का ऐसे पड़ा है कंबल, क्योंकि मैं लेटी भी थी, मुझे ठंड काफी लग रही थी इसलिए मैं पूरा दिन इस कंबल में लेटी रही हूँ, तो अब मैं उठ के आगे इनकी चारपाई पे बैठी हूँ। ये अलीहा का कंबल लेके मैं बैठी थी ऊपर, अलीहा मेरे पास ही बैठी थी, और इस लड़के के काम देखें आप लोग, पहले कह रही थी एक मैं अपने भाई के लिए रखूंगी और एक मैं खुद खाऊंगी, आप पहले अपना भी खा गई अब भाई का भी खा रही है। आप भाई को गिफ्ट नहीं देना जूठी, टोकरी में कौन सा गिफ्ट है जी, झूठ बोल रही हो आप। दुआ उधर गई हुई थी जी पानी पीने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप लोग कैसे, हम भी ठीक है, जहाँ भी खुश रहे, आबाद रहे अल्लाह पाक की ज़मान में रहे। आज बहुत मजा आया हमको, हम लोगों को चीज बांटी इस वजह से मजा आया। तो ये देखें जी ये अब खेल रही है मैडम खाना खुना खा के, हया इधर बैठ के शोर ना कर, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द हो रहा, नीचे बैठ के खेल ले, उधर आप ही के पास जाके खेल लो, हाँ इधर इधर ही खेलो आप ही के पास। आप देख सकते हैं कि मैं फुटबॉल कैसे खेलती हूँ, हया पागल हो गई है। अच्छा जी बच्चियां भी खेल रही हैं और इनके पापा अभी तक नहीं आए हैं, सनैन भी गया है सपारा पढ़ने, वो भी अभी तक नहीं आया, इनको तो छुट्टी थी, ये जल्दी आ गई हैं तो वो अभी तक नहीं आया, तकरीबन 8 बज रहे हैं तो अभी तक नहीं आए दोनों बाप बेटे, तो वो घास भी आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी दवाई लेने के लिए अपने, क्योंकि अभी मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और भारी भारी चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो दवाई लेने जाऊंगी मैं। चुप हो जा चुप हो जा चुप चुप नहीं होती है, कह भी रही मेरा सर दर्द हो रहा, नहीं चुप हो रही,
तो जी आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं बना लूं व्लॉग। छोड़ दे छोड़ दे दुआ छोड़ दे। तो ये देखें जी, ये दुआ जो सी है ये तंग कर रही है लीहा को। तो जी आज मुझे भी जैसे कि बताया मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक, और मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हुआ है, दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा जैसे भी बनता है मैं अपना व्लॉग बना लूँ। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओह सॉरी, देखा मैं कह रही थी ना मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आती मैं क्या बोल रही हूँ। तो कल के व्लॉग के लिए, कल तक के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप सब लोग, तमाम बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कल तक के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।